विश्व हिंदू महासंघ ने रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकालकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए आग के हवाले कर दिया। शुक्रवार को विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर पंडित हरिओम पाठक के नेतृत्व में इलाय चौराहे पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकालकर जमकर प्रदर्शन कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश प्रजापति जी का पुतला दहन कर रहे हैं हम लोग, अर्थी निकाल रहा उनकी। क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि उन्होंने रामचरित मानस को अपमानित किया है और सनातन में जो भी कोई भी व्यक्ति हो, जात और भाष से नहीं है, जो भी सनातन का विरोध करेगा उनका यही हाल होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उनकी जिस पार्टी में है वो उनको भी उनको बाहर निकालना चाहिए, इन्हें हिंदुस्तान से राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि ये राजनीति लायक है ही नहीं। जो भगवान रामचरित मानस को ये इतनी बड़ी अपमान कर रहे हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए? अभी तो ये कम है, अगर इनको अरेस्ट करेगी पुलिस, इनके ऊपर मुकदमा लगेगी, अगर नहीं करेगी तो फिर हम लोग यही अनशन पे बैठेंगे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी विनोद पंडा, जीतू शिवहरे, शेखर हयारन समेत कई लोग उपस्थित रहे। पहले तो मैं आपको जैसे बताया गया, इस प्रकार मौर्य जी ने, प्रजापति जी ने या महाराज जी ने जो कहा है वो नितांत भ्रामक है, झूठ है। वाल्मीकि जी दलित परिवार से पैदा हुए, ऋषि बने और रामायण लिखी। वेद व्यास एक मल्ला है कि बेटी के गर्भ से जन्म लिए, 18 पुराण लिखे। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, सभी ने उनको अपना ऋषि माना, मान्य माना, पूज्य माना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा उस समय मुगल काल था, उस मुगलों के काल में जो तत्कालिक परिस्थितियाँ थीं, जो वातावरण था समाज का, उसका दर्शन रामचरितमानस में लिखा गया है। लोग उस समय की बात नहीं कह रहे कि मुगलों के कारण ऐसा हो रहा था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने उस कलंक को धोने के लिए सबसे दलित, जिसकी परछाई पड़ने पर भी लोग स्नान करते थे, उस निषाद राज को मित्र बनाया गया। राम ने उससे मित्रता की। जिन कोलभीर, जो कोलभीर कभी मनुष्यों के संपर्क में नहीं आते थे, आम नागरिकों के, उन कोलभीरों के साथ उन्होंने पूरे 14 वर्ष बिताए। जिन पिछड़े बालनों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, जिनके बीच में रह करके राम रहे, उनसे मित्रता की। और इन दलितों ने, बांडलों ने, पिछड़ों ने, सब ने अपना आराध्य मान करके भगवान की तरह की पूजा करते हुए अपने प्राण दे करके रावण से युद्ध जीता, रामराज्य की स्थापना हुई। राम को राजा बनाने में दलितों का, पिछड़ों का और वनवासियों का पूरा योगदान रहा। वो बातें ना कह करके मुगल काल में जो हो रहा था वो आरोपित किया जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, ये नितांत भ्रामक है, मिथ्या है, झूठ है। हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति सामाजिक समरसता को ही रामराज मानती है। झांसी से गोलू महाराज के साथ धीरज शिवारे की रिपोर्ट।